अंगूठे में, पैर के अंगूठे में दो जगह निशान था बकायदा, इतनी तेज उसने डंक वो मारा था। इसीलिए बता रही हूँ, जहां भी यहाँ बैठे तो देख सोच समझ के बैठे। मैंने बोला था ना ये सांप निकलते हैं, देखो ये पानी वाला सांप है, इस टाइम पानी वाले सांप होते हैं। मैं इधर आके बैठ गई, आज कैमरा नहीं लेके आई, मैंने कहा आराम से बैठूंगी, तो यहाँ पानी वाला सांप देखा। वैसे वो सांप नुकसान नहीं करता है, किसी को भी काटता नहीं है, लेकिन अगर मान लो अगर किसी के पैर पे डंक मार दिया तो वो डर के मारे जहर बन जाएगा और वो वैसे नुकसान पहुंचा देगा। पर पानी वाले सांप, इस टाइम अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पानी वाले सांप निकलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। रात को कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि ना कई बार ऐसे होता है आके अकेले चुपचाप अंधेरे में बैठ जाओ, ऐसे मौके कब मिलते हैं। लेकिन अब आई गई थी और सांप दिख गया, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये जो दरारें हैं ना, ये जो दरारें हैं इनमें रहते हैं अभी घुसे हुए, तो जरा देख के काटेंगे नहीं, लेकिन डरे ना, डर के जहर चढ़ जाता है। माही दीदी को तो जानती है, ये जीजा जी हमारे, और ये भाई साहब हैं जो मुझे कह रहे थे शोकर वो का टूट जाए, कुछ एडवेंचर करके दिखा। ये आदि कैलाश जा रहे हैं, मैं दीदी को बोल रही थी, मैं तो ऐसी कहीं ट्रिप बनाओ तो मेरे को जरूर लेके जाओ। लेकिन दीदी लेके जाएगी, मैं नहीं बताया था कि भाई साहब ने ये बताया कि कहीं जा रहे हैं, ये नहीं बताया था, आदि कैलाश का नहीं बताया। तो अब इसके बाद जो भी है, रोक रखा था वैसे ऐसे टाइम में बहन भाई का प्यार बहुत कम मिलता है, जो आप दोनों, आप लोगों के अंदर है, दोनों बहन भाई हैं। से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, साक्षात ही देख पाते हैं, लेकिन साक्षी जी को देखकर रियल में ऐसा ही लग रहा है जैसे यूट्यूब पे देखते हैं। वही अंतर नहीं, बिल्कुल वही बेबाक हंसी, वही। और भाई साहब ना मेरे को इमोशनल करते थे कि शर्मा जी होते तो जवाब देते। क्या था, शर्मा जी के पास वो वाला फोन मेरे पास घर में रहता है, मेरा फोन मेरे साथ रहता है, मैंने बोला आप मेरा नंबर दूसरे मेरे नंबर लो, जब मैं बात ना करूं तब की बात है। अभी ऐसी जगह जाती है बहुत ही एडवेंचर, एकदम जंगल के डीप के अंदर, तो पता है जगह का, तो जाना भी चाहते हैं वहाँ, तो उसके लिए फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई फोन करके पता करें भाई किधर से मुड़ना है, किधर से जाना, कैसे करना। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो। नहीं, मैं एक ट्रिप आपके साथ करूंगी, ठीक है ना, आप सबके साथ चारों कहीं चलेंगे तो नेचुरली आप हमारे साथ चलोगे, और कोई वादा रहेगा भाई यूट्यूबर हमारे साथ जा रही है तो बिना जेब के चलना, ना कैमरा तो सबसे पहले चलता है। फाइनली नींद कुछ ही हो गई, बीमार बुखार हो गया उनको, और झाड़ पोछा करना पड़ रहा है। मैंने सोचा आज घर में हूँ तो घर में कर दूँ, और मान लो कल कहीं जाना पड़ गया तो फिर झाड़ू लग के काम चल जाएगा। अभी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है अपने आप में, सच में पता चल रहा है आप कितने सालों बाद ऐसे बैठ के पोछा लगा है ना। हल्दी सूजी आज बना ली, पहले वाला ख़राब हो चुका है, ये दूसरे वाला कितने महीनों बाद बनाया है, ख़राब होना तो बनता है। इधर चाय बन रही है साथ के साथ, इधर चीला, ये पहले दिया को दूंगी। अपने लिए मैंने पूरा एक बड़ा चीला बना लिया, इसको छोटे पतले पसंद है ना। और यहीं पे गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पहला चीला खराब गया हमेशा। आप लोग ये कह रहे हो, देखो कैसे कैसे आके अभी भूसे लाश पर मारे दोनों के चले हैं, और पता क्या कह रही है,
कि आप जरा मैं ट्रैक पे नहीं जा रही ना, मैंने अभी वो कैंसिल किया है वो ट्रैक। मैंने कहा नहीं भाई, बच्चों के पास रहना है, इनके पास इनको प्यार लुटाना है। तो कह रही है जाती क्यों नहीं हो, देखो आगे देखो इसकी, दिखाई दिए क्या कर रही थी है। तो इस लड़की ने मना, कह रही है कि जाओ, कह रही है ट्रैक पे जाओ। कुछ कहना चाहेगी? मैं तो बोलेंगी, मैं तो घर में बैठो, घर में आपकी सेवा करूँगी। कैसे कैसे? आपकी सेवा करूँगी। अभी पता है मैंने शर्मा जी की वीडियो डाली है, तो इतनी बदतमीज है। देखो पता क्या बोल रही, पापा की आंखें ना क्या लग रही है, पापा होते तो लात मार, सुंदर लग रही। तो अपने पापा का भी वो कर रही है, हाँ वो करके। अरे उन्होंने चश्मा पहन रखा, चश्मा पहन रखा, कह रही पापा की आंखें मेंढक जैसी लग रही है। तो कह रही जिंदगी का मजा तू बेटा तू ही ले रही है। अभी आपकी सेवा करूंगी, रुक जाओ। तेरी वीडियो क्या ना बंद होने के बाद आपकी बिहाइंड द सीन वो होगी, रुक जाओ जरा। ये कुछ कहना चाहती है, मेरा नींद में शक हो रहा है, मम्मी में और रेनू आंटी में दोनों मिलकर ना शायद ये पागल बनाती है, आप लोगों का भी मेरा भी, कि ये गिफ्ट गेम मेरे को गिफ्ट में मिला है तो मैं इसको सिलाई करने में दे दी जा रही, फिट करवाने में दे दी जा रही हूँ। इतना तो कोई गिफ्ट भी ना देता। मतलब मैं और रेनू आंटी घपला? हाँ आप तो बहुत बड़ी घपले मारे हो 2000 के नोट के बाद से। तो हैं कौन से वो जब आपने करा था क्या 2000 का नोट जो उनके वो तो रेनू आंटी के साथ करा था ना। कह रही सो रही होगी, काम करती होगी, आप कितना नहीं है पोचा लगा के दिखाया। एक इसको अदरक लाने को बोल दी थी है, अदरक लाने को बोल दी थी इस सुबह सुबह, इतनी मतलब इसकी चंडी ने भी रूप धारण कर लिया। मैंने प्यार से बोलती रही तब तक तो ये चंडी का बनी रही, जब मैंने चप्पल वप्पल उठाया थी यार तब ये चुपचाप गई है। उसके बाद इसने पूजा करी है और मैंने पोछा लगाया है, उसके बाद करी है काम करती है वो सो गई होगी। आज उसकी मेड भी आई तो खाना नहीं बनाया, पोछा ही तो लगाया। पोछा लगाया तू करके दिखा, तू करके दिखा। लॉकडाउन में बहुत करवाने रहे दो, लॉकडाउन में कब पोछा लगाया तूने? लॉकडाउन आपसे समय करवाइए वीडियो में प्रूफ दे। जिसने कसम खा रखी क्या बोल रही है, कह रही मैं आपकी तरह ना पलंग नहीं तोड़ती रहती। जिस दिन मैं सोचूंगी ना मैं शांति से आराम से बैठ जाऊँ उस दिन ये खून पीने आ जाती है। एक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, छोटी बड़ी वाली का, एक पीछे से रॉन्ग आगे से रॉन्ग साइड से चिंकी आ रही, वो चाइना की लड़की थी। अब चाइना वाली को तो चिंकी बोलूँगी ना। वहाँ से सामने से आ रही थी और उसकी गाड़ी में देखे मारी, वो हॉर्न भी दे रही है, हॉर्न शिवांगी ने दी, वो रॉन्ग साइड से लड़की आ रही थी। मैंने कहा चाइना वाली की तो कंप्लेंट कर दे, तो उसने कंप्लेंट कर दी है। कह रही मम्मी अब इंश्योरेंस होता है कंपनी का, तो कह रही सामने आप, कह रही मैं हॉर्न दे रही तो उससे ब्रेक ही नहीं लगे, डर गई। वो लिखा हुआ था लर्निंग था ना उसका लाइसेंस, तो लर्निंग था तो लर्निंग में रॉन्ग साइड से आ रही थी। मैंने सुबह सुबह सारी सफाई कर दी, थोड़ा बहुत रह जाएगा आके करूँगी झाड़ू वाड़ू लगा के, क्योंकि हमारी डिंकू जी तो आएंगी नहीं, और मैं वॉक करने जा रही हूँ। दिया भी है अंदर, मैं गंगा जी जा रही हूँ क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। हवा देखो कितनी तेज चल रही है। जो भी हमारे यहाँ पे आए ना, मतलब अब ऋषिकेश आए तो भैया इंतजाम कर लो हल्की फुल्की टी शर्ट जैकेट, और नहीं तो ठंड लगेगी सुबह शाम। रात को मैंने पंखा बहुत कम किया, एकदम स्लो कर दिया, सारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था इतना। अब समझ आइए शर्मा जी मुझे डांटते थे, या तो रजाई दे दे या फिर इसको बंद कर दे पंखे को। अच्छा ये जो बाबा जी का था ना, ये उनका अलग बना दिया है। कितनी सारी चिड़ियाँ देखो। ये मैं इस तरफ रात को आई हूँ ज़्यादातर, तो पता ही नहीं चला। बाबा जी को एक कुटिया दे दी क्योंकि वो पैरालाइज थे ना, ये अच्छा किया गाय के चारे के लिए बना दिया ना यहाँ पे। ये बहुत गलत बात है कि जो भी लोग ना जब ऋषिकेश आ रहे हैं तब वीडियो देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे अपने बिजी रहते हैं, बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और देख ही नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो देख लिया करो। पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हो जाते, ये वाले वेदर में ना हो जाते हैं, कभी लोग फेस्टिवल में बिजी हो जाते हैं, कभी कहीं बिजी हो जाते हैं, तो फिर वो देख नहीं पाते। ये आज फिर ग्रुप आए हैं राजस्थान से लग रहे हैं मुझे। कल जो सांप दिखा ना वो वाकई बहुत बड़ा सांप था।
देख लिया होगा आपने भी फोन में, क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेके गई थी। कई बार ना अकेले बैठने का शांति से मन होता है, तो मैंने कहा रात को अकेले बैठते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अकेले ना, अकेले या फ्रेंड्स भी आ जाती हैं तो मन करता है बैठे रहने का। अब दिखा तो फिर मैंने कहा, एक पहले भी जानकारी दी थी मैंने और अब भी दे रही हूँ कि थोड़ा सतर्क होके बैठिए। बच्चों के ग्राउंड में कितनी घास बढ़ गई है। वैसे वॉक के लिए इससे भी ये भी बहुत अच्छा है, कभी कभी यहाँ वॉक हो सकती है। बट वो जो जंगल में जाते हैं ना, ये फील ग्राउंड वाली आती है, ठीक है कच्चा है तो जंगल वाली फील एक जंगल वाली रहती है। वाह कितना सुंदर नजारा देखा है, फोगी दरा इधर। इसीलिए मैं सुबह सुबह आई, मैंने कहा इधर चलती हूँ आज, क्योंकि ना गर्मी वो मौसम वैसा नहीं है, ठंडक आ गई ना तो ये बादल उड़ते हैं, यही वो बनाते हैं। अभी बारिश का अलर्ट और भी है। घूम के आ गए सुबह सुबह, अलग ही आनंद आता है इधर की साइड ना, अगर धूप ना हो तो। मैंने पहले भी ये जगह दिखाई थी, पता आने का क्या औचित्य था या मतलब कारण था, कि जो ये फटी हुई दरारें हैं ना, सच में इनमें से दूर रह के बैठिए, दूर बैठिए, क्योंकि ये ना सांप निकल रहे हैं और सांप काटने वाले नहीं होते हैं। गंगा जी के किनारे ज़्यादातर जो 99% है, 99.9% जो है वो पानी वाले सांप होते हैं। ये जो दरारें आई है ना, पहले भर गई थी ये, जब हम आए थे उस टाइम पे बहुत सांप निकलते थे, बड़े बड़े निकलते थे। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो दरारें हैं ये इधर की साइड, अंदर कहीं ना कहीं पतला जो है ना वो बना के रख लेते हैं, ऐसे बिलो ऐसे जो दरारें हैं उनमें बना के रख लेते हैं। आप लोग बैठते हैं ना कई बार ये यहाँ, तो मेरे को शर्मा जी कितना बोलते थे जब मैं बैठी रहती थी कि दरारों से दूर बैठ, और क्योंकि ना दरारों में सांप हो सकते हैं, और उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे सांप निकलते थे। मेरे साथ एक हादसा दिल्ली में हुआ था, मैं अपनी गाड़ी, हमारे पास 800 थी उस टाइम, और वो ना हमारे जो घर था शर्मा जी का वो पीछे की साइड खड़ी थी, मतलब हमारे घर। अब वहाँ पे ना बारिश का ही टाइम था उस टाइम भी, और जैसे ही पता नहीं मैं उसको कुछ सामान लेने गई गाड़ी में से, जैसे ही मैंने उस खोला गेट तो मेरा पैर ना सांप पे पड़ गया था, और उसके बाद क्या हुआ, उसने बकायदा डंक मारा मुझे, मतलब ऐसे डस वो करा, दो उसके निशान थे, इतने पीछे बैठे थे ना, अगर मैं कुछ घबराती मुझे पता ही नहीं चल पाया। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा मेरा पैर किस पे पड़ा, तो इतने में पहले ही जैसे ही मारा होगा ना, उसी टाइम पीछे बैठे वर्कर लेबर बैठे थे, कह रहे घबराओ मत पानी वाला सांप है, नहीं तो कई बार पता है क्या होता है, घबराते घबराते ही काम हो जाता है, एक बार डर गए, क्योंकि ना डर के कारण ज़्यादातर सांपों में बहुत कम होते हैं ऐसे, जहरीले तो बहुत होते हैं पर इतना जहर होता है कई बार, इतना भी नहीं होता कि इंसान वैसे मर जाए, डर के कारण मर जाता है। इसीलिए बता रही हूँ, जहाँ भी यहाँ बैठें तो देख सोच समझ के बैठें। ओहो इधर कितनी सुंदर अनुभूति हो रही है, माय गॉड सच में। उधर थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ खुला है ना, पर यहाँ डेली नहीं आया जाता। रूपकुंड यात्रा तो मैंने, मतलब मैंने क्या, मैंने मना किया पर अंदर से खुशी हुई कि सभी का कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ईयर करेंगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कैंसिल है, तो और जो यात्राएं बची हुई हैं सोच रहे हैं वो कर लेते हैं अभी। वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे लोग देख के छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऋषिकेश के साथ साथ और भी अच्छी वीडियोज़ मिल जाती हैं देखने के लिए। हमेशा तो ट्रैकिंग संभव नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जाए, कभी ना कभी दिखा दूँ। यहाँ गंगा जी की आवाज़ बड़ी मधुर लग रही है, देखो
देवप्रयाग में गंगा जी का जो कलर है ना वो ग्रीन हो चुका है काफी कुछ, लेकिन अभी अलकनंदा जो है वो काफी विशाल है, बड़ी है, तो उनका भी मटमैला है, तो शायद उसी वजह से मिक्स होती है, तो अभी हल्का मटमैला रह गया है, नहीं तो भागीरथी मतलब वहाँ के गंगाएं बनती हैं तीनों नदियों को मिला के, तो भागीरथी जो है वो साफ हो चुकी है, पर अलकनंदा मिलती है तो वो थोड़ी मटमैली वैसे भी रहती है, तो शायद आने वाले टाइम में थोड़ा थोड़ा और साफ हो जाए। ये मेरे पास आके खड़ा हो बैठ गया। हाँ क्या बात है। हाँ हुँ? ये भाव है, गुरु नहीं है तो गुरु की फोटो लेके और उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं मंत्र जाप करते हुए। अभी भी घाट जो है ना यहाँ बैठने, यहाँ लोग साधना करते थे इस लाइन में आके ना, वो सब जलमग्न है अभी है, अभी तो पूरा काफी जल है गंगा जी में, तो इतनी विशाल कितनी सुंदर लग रही है ना। स्वामी जी प्राणायाम कर रहे हैं, वो देखो बादल कैसे ऊपर उड़ के जा रहे हैं आगे आगे। त्रिवेणी घाट तक तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीच में अभी नदी काफी आई हुई है, खारा स्रोत ना चंद्रभागा सॉरी। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है अपने ऊपर, अगर वो सक्सेस हुआ तो फिर वीडियो बनाऊंगी पहले ही बता के बता देती हूँ ना, तो वो फिर चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और एक क्या कहते हैं फिर वो काम हो नहीं पाता है, पहले हो हल्ला मच जाता है ना, फिर वो काम कहीं से नहीं हो पाता, इसीलिए पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑफ कैमरा फिर बताया जाएगा उसको, ठीक है ना। जो बाबा जी थे ना छोले भटूरे वाले, देखो वो बुगला वहीं पे ही है, वहाँ फिश आती है ना, सांप आते हैं यहाँ पे, ये खाते हैं फिर इनको, क्या कहते हैं बाबा जी जो छोले भटूरे वाले बाबा जी हैं वो प्रीति ने देखे थे, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी है, किसी आश्रम में चले गए हैं वो, पर पता नहीं क्यों करी उन्होंने जगह चेंज। आप कितने भाग्यशाली होते हो जब आपको ऐसे घाट खाली मिल जाते हैं यहाँ पे। नीचे फिसलन है, गई तो गुड़ुम 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 हो जाएगा। अब मैं चाहे कैमरे के कितने सामने आ जाऊं आपको मोटी नहीं लगूंगी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मैं बता रही थी ना, और चलो वो सस्पेंस में रहते हैं, उसका वीडियो बाद में बनाऊंगी, एक मतलब क्या कर रही हूँ। देखिए एक दिन ना रात को मैं सोई, सो के उठी, उनके तो क्या थी तुमने इतने कोर्सेज किए, इतने तुम्हारे पास सर्टिफिकेट थे, मैं वैसे ही थोड़ी बहुत हिंट दे देती हूँ, और तुम कैसे मतलब देखिए शरीर स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य ठीक रखना, ये एक वो होता है, मतलब मोटे पतला नहीं, स्वास्थ्य भी अंदर से ठीक होना चाहिए, तो वो भी बिगड़ रहा था, तो वो भी अब ठीक धीरे धीरे हो रहा है, तो जब अंदर से स्वास्थ्य ठीक होगा तो शरीर भी ठीक होगा, बाहर से भी अपने आप ही ऑटोमेटिक होगा, वो कहीं भी दरारें वैसी नहीं आई, क्योंकि ये ऊपर है जगह इतनी, ये ऊपर ये है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि ना यहाँ इतनी ऊपर सांप घुसते नहीं है पानी वाले, वो नीचे ही नीचे रहते हैं ज्यादातर, अदरवाइज पानी वाले सांपों से वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने देखा था ना बच्चे वहाँ पे डर रहे थे चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मेरे को डस चुका था, और मैंने शर्मा जी को भी दिखाया था, तो वो तो बोल रहे थे कि सांप मर गया होगा, पता है आपको पति लोग कैसे बोलते हैं, तो कह रहे पक्का सांप मर गया होगा हालांकि उनको चिंता हुई, और अपना अंगूठे में पैर के अंगूठे में दो जगह निशान था बकायदा, इतनी तेज उसने डंक वो मारा था, लेकिन पानी वाला था तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं यहीं बैठी थी, पीछे भाई साहब आए, जितनी भी वो पड़ी थी ना तिल्ली, आप सोचिए वो तो डिसॉल्व हो जाती हैं, सबको ऊपर पूजा करते हैं ना लोग छोड़ जाते हैं, तो सबको ऊपर जाके डस्टबिन में फेंक के आए, आप बताइए। ये माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और जब तक ये वीडियो आएगा शायद बाबा जी हमारे संतोष बुद्धिया जी ऋषिकेश आ जाएंगे, तब तक जब तक ये वीडियो आएगा हर हर गंगे हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप, देख तो वैसे भी कम लोग रहे हैं, सभी के लोग कम देख रहे हैं क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मतलब इतना होता है कि टाइम नहीं निकाल पाते, तो थोड़ा सा समय निकालिए 5-10 मिनट का अपने लिए और देख लीजिए।
हर हर गंगे हर हर महादेव। देखा अभी बाबा जी को याद किया था, बाबा जी मिल गए। आ गए आप? हम्म, अच्छा साई घाट के नाम से। हाँ मैंने देखा ये हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा फ्री कराते हैं? बाबा जी कह रहे हैं जल्दी से छोले भटूरे लिया। वैसे मुझे ये फोटो दिखा रहे हैं और ऑफ कैमरा कह रहे हैं तो जल्दी से छोले भटूरे ले आ। मैंने कहा कल लेके आऊंगी। अब एकदम से कैसे बनेगा भाई।